कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको यदि कई सबसे ज़्यादा 24 घंटे चलाता है तो वो राहुल जी चलाते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए। आप चाहेंगे कि राहुल जी अब कांग्रेस की बागडोर संभाले, अध्यक्ष पद संभाले, आप उनके गुरु भी हैं तो टिप तो दे ही रहे होंगे, और अब वक्त आ गया कि राहुल जी को फ्रंट से आगे लीड करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का? क्यों नहीं, यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको यदि कई सबसे ज़्यादा 24 घंटे चलाता है तो वो राहुल जी चलाते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तभी बड़ा का बड़ा काम होगा। राहुल जी, आप अपने राजनीतिक गुरु की सलाह को आप मानेंगे और आने वाले वक्त में आप ये जिम्मेदारी लेंगे? वो देखने की बात है, मगर आज जो यादव जी ने कहा उससे मैं सहमत हूँ कि देश की हालत बहुत ख़राब है, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है, और ये हम सबके सामने ये लड़ाई है, देश को हमें एक साथ लाना है, एक बार फिर भाईचारा जो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, रोज़गार मिल ही नहीं सकता। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ शांति, हार्मनी ये है। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफरत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर इंडिया की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। आप हिंदुस्तान की जो आर्थिक सिचुएशन है, रोजगार की सिचुएशन है, उसको आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, क्योंकि इस देश का जो रोजगार का स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है,